अच्छा बच्चों, आप 2.3 पे आ जाते हैं। 2.3 के टॉपिक जो है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। तीन ही मेनली टॉपिक हैं, डिटरमिनेंट्स, एडजॉइंट और इनवर्स। इन तीनों के बारे में जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डिटरमिनेंट्स की। किसी स्टूडेंट को यहाँ पता है डिटरमिनेंट क्या होता है? हाँ भाई, डिटरमिनेंट जो है ना, सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स की अब बात की जाएगी। डिटरमिनेंट हर स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। और डिटरमिनेंट है क्या चीज? डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ आपने अटैच की हुई होती है कि यार इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो डिटरमिनेंट बेसिकली एक वैल्यू है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ आपने एसोसिएट की हुई है। अब उस डिटरमिनेंट या उस वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे आप डिटरमिनेंट निकाल रहे होते हो? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको डिटरमिनेंट निकालने की डेफिनेशन भी बता दूंगा कि डेफिनेशन क्या है डिटरमिनेंट निकालने की। अभी पहले तरीका देख लो, ठीक है? दो किस्म की मैट्रिक्स है जिनके डिटरमिनेंट आपको बोले जाएंगे। एक होगी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स, एक होगी 3 बाय 3 की मैट्रिक्स। दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2 बाय 2 मैट्रिक्स। कंसिडर कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अच्छा, डिटरमिनेंट का सिंबल ये होता है, जो मैट्रिक्स का सिंबल होता है ना, उसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट लगा रहे होते हो। डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है? ये दो वर्टिकल बार आप लगा रहे होते हो, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, ठीक है? तो निकालने का तरीका क्या होता है? वंस अगर आप देखो, आपके सवाल में ये चीज लिखी हुई है, इसका मतलब आपको बोला जा रहा है, जैसे देखो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी हुई है और उसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है या राउंड ब्रैकेट लगाई हुई है, तो उसका मतलब आपको नहीं पता क्या करना है, बस एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, दैट्स इट। लेकिन अगर वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के मैं दो वर्टिकल लाइन लगा दूं, तो अब उस चीज का मतलब मिल गया मुझे कि यार अब मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ये वही बात है कि मैं दो नंबर आपके सामने लिखूं, 2 और 3। आप लोग कहोगे भाई लिखे में लिखे रहने दो, क्या करना है हमें। लेकिन जैसे मैं इनके दरमियान फॉर एग्जाम्पल ये लगा दूं, अब आपको मतलब मिल गया यार क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो वही चीज है, ये जब दो बार नजर आए तो समझ जाना डिटरमिनेंट आपको निकालना है। और डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है कि इन दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करो, और डी को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए डी। इसी तरह बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बी सी, और दरमियान में आप नेगेटिव लगा दो। ये तरीका होता है जिस तरीके के तहत आप डिटरमिनेंट मालूम करते हो। कोई एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मैट्रिक्स है -1, 4, 10, ये मैट्रिक्स है, और आपको बोला जा रहा है कि आप ये निकालो। भाई इसको मतलब अगेन लिखने का तरीका है ना, या तो मैट्रिक्स पे इस तरह वर्टिकल लाइन लगा देंगे, या पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे और नीचे जो ए मैट्रिक्स है ना उसके ऊपर इस तरह लगा देंगे वर्टिकल बार। एक ही बात है, आपको बोला जा रहा है कि डिटरमिनेंट निकालो। इस तरह लिखा जाए या इस तरह लिखा जाए, DETA, दोनों का मतलब डिटरमिनेंट ही है। या तो DETA लिखा जाएगा कि ए का डिटरमिनेंट निकालो, या इस तरह सिंबल लगाया जाएगा, दोनों का मतलब है डिटरमिनेंट निकालना है। और डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे आप? अगेन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 20, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -4, और एक फॉर्मूले का भी माइनस होता है, उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपने 2 और 10 को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 4 और -4 को मल्टीप्लाई किया, और दरमियान में साइन आपने चेंज कर दिया। दरमियान में अगर नेगेटिव आ रहा था तो आपने उसको पॉजिटिव कर दिया। सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 24। ये आपको डिटरमिनेंट निकालना है, ये मैट्रिक्स एक गिवन है, 3 बाय 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है? निकालने का तरीका क्या होगा? अभी आपको रीजन समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट निकालने की डेफिनेशन नहीं बताई। अभी जस्ट मैं वो तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, बाद में डेफिनेशन भी बता दूंगा उसकी वजह मैंने क्यों नहीं बताई। आप लोग पहले देख लो तरीका क्या है। किसी को अभी क्लास में 3 बाय 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आता है? किसी को कैसे सर, निकालते हैं? पहले 1 लिखते हैं तो, और वो जिस रो में होता है, जिस कॉलम में होता है, उसको निगलेक्ट करके और बाकी जो नंबर होते हैं वो डिटरमिनेंट में लिखते हैं। सही है, हमें सही। बाकी तरीका भी मैं समझ गया आपका। एक स्टूडेंट को पता है, बाकियों को भी पता है ये बात क्या? तो बाकियों को भी वैसे पता होनी चाहिए। खैर, मेरी भी हिम्मत नहीं है तुम लोगों से बहस करूं, ज्यादा बोलते तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं हो। इसमें बस एक चीज आप जहन में रखो कि आपकी मर्जी होती है, आप किसी भी रॉ से एक्सपेंड कर सकते हो। आप रॉ 1 को पिक कर लो, या अगर आप रॉ 2 को पिक करना चाह रहे हो, या आप रॉ 3 को पिक करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी, किसी भी रॉ को पिक करना।
या किसी कॉलम को भी आप पिक कर सकते हो। आप कॉलम वन को पिक कर लो, कॉलम टू को पिक कर लो, या कॉलम थ्री को पिक कर लो। ठीक है, पिक करने के बाद करना क्या है, पिक करने से पहले आपको इनके साइन पता होने चाहिए कि अगर रॉ वन को आप पिक कर रहे हो ना तो साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। कि रॉ वन के पहले एलिमेंट के साथ प्लस लगाना है, दूसरे के साथ नेगेटिव लगाना है, तीसरे के साथ पॉजिटिव लगाना है। अगर आप रॉ टू पिक कर रहे हो, पहले के साथ नेगेटिव, दूसरे के साथ पॉजिटिव, तीसरे के साथ नेगेटिव, साइन आपको पता होने चाहिए। मर्जी आपकी कोई भी रॉ पिक करो लेकिन साइन पता होना चाहिए। और तीसरी रॉ का क्या, प्लस नेगेटिव प्लस, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आप कॉलम पिक कर रहे हो तो कॉलम नंबर टू विलफर्ज अगर आपने पिक किया तो पहले के साथ माइनस, दूसरे के साथ पॉजिटिव, तीसरे के साथ माइनस, तो साइन आपको पता होना चाहिए। वंस आपको साइन पता है तो अब आप डिटरमिनेंट निकालो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो वन के साथ पॉजिटिव आएगा, टू के साथ नेगेटिव आएगा, थ्री के साथ पॉजिटिव आएगा। ये साइन जो मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई है इसके मुताबिक है। और फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कंसीडर कर लो यहाँ पे आपने आर वन पिक की है, मतलब रॉ वन आपने पिक की है। आपकी मर्जी कोई भी रॉ, कोई भी कॉलम पिक कर सकते हो। तो रॉ वन में अगर आप देखो, मैंने सबसे पहले वन है, वन जिस रॉ में है ना उस रॉ को आप डिलीट कर दोगे, वन जिस कॉलम में उस कॉलम को आप डिलीट कर दोगे। पीछे आपके पास ये जो मैट्रिक्स बची है ना, बाय द वे इसका नाम होता है सब मैट्रिक्स, डेफिनेशन भी लिख देना सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है ना, उस मैट्रिक्स के आप किसी कॉलम या किसी रॉ को डिलीट करो तो जो पीछे मैट्रिक्स बचती है उसको आप कहते हो सब मैट्रिक्स। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने रॉ वन और कॉलम वन को डिलीट कर दिया है तो जो पीछे मैट्रिक्स आई है वो मेरे पास सब मैट्रिक्स कहलाती है। और आपने क्या करना है, आपने सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो दैट्स वाई मैंने ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में मालूम कर लेंगे हम। अब आप आओ दूसरे एलिमेंट के ऊपर। दूसरा एलिमेंट है टू, जिसका साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो ये माइनस टू हो जाएगा। अब अगेन वही बात, माइनस टू जिस रॉ में है मतलब रॉ वन डिलीट, और जिस कॉलम में वो कॉलम डिलीट। अब आपने कॉलम नंबर टू डिलीट करना है, रॉ वन और कॉलम नंबर टू, पीछे क्या बचेगा, 4 7 6 9, तो कॉपी कर दो 4 7 6 9। इसी तरीके से अब आप थ्री को पिक करो, थ्री के साथ पॉजिटिव आएगा, थ्री जिस रॉ में डिलीट कर दो, जिस कॉलम में डिलीट कर दो, तो अब आपका कॉलम नंबर थ्री जो है ना वो डिलीट होगा। ये डिलीट हो गया, पीछे बचे चार एलिमेंट 4 5 7 8। इस तरीके से आप डिटरमिनेंट लेते हो। नॉर्मली आपकी कोशिश ये होती है कि जिस कॉलम या जिस रॉ में ज्यादा जीरो है ना पिक करो। बिलफर्ज अगर पहली रॉ में अगर दो एलिमेंट जीरो होते हैं तो मेरे लिए आसानी होती कि अगर ये दो एलिमेंट जीरो हैं तो शुरू की दो टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएंगी, आपको जस्ट तीसरे एलिमेंट एक्सपेंड करना है। तो अगर किसी रॉ या किसी कॉलम में जीरो आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं ना तो उससे पिक करो, क्योंकि जितने ज्यादा जीरो होंगे आपके पास वर्किंग उतनी कम हो जाएगी। अगर इसमें एक जीरो होता तो पहली वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं थी, हम दूसरी से स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पर इसमें तो कोई भी जीरो नहीं था तो मैंने अपनी आसानी से रॉ वन पिक कर लिया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वही ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जो आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है कि 2 बाय 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो वही 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो 45, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो 48, दरमियान में नेगेटिव आएगा। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो 42, दरमियान में नेगेटिव आएगा। इसी तरह 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35, दरमियान में नेगेटिव आएगा। आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर में आंसर जीरो आएगा, चेक करके देख लेना। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो आप लोग का काम है, ये तो खुद कर लो। मेरा काम था शुरू के 2 स्टेप बताना कि आपने डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। वंस जब आप इस स्टेप पे आ जाओ इसके बाद तो आपने वैसे ही कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर में, या मैनुअली कैलकुलेट कर लो, आंसर इसका जीरो आ रहा होगा। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए से आप 2 बाय 2 या 3 बाय 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो। इवन अगर 4 बाय 4 मैट्रिक्स आ रही है तब भी तरीका ये होगा, 5 बाय 5 मैट्रिक्स आ रही है तब भी तरीका ये होगा, तरीका आपका सेम रहेगा चाहे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे 2 बाय 2 या 3 बाय 3 मैट्रिक्स आती है, दैट्स इट। सही, तो यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। अब आपका टॉपिक है, अभी भी डिटरमिनेंट कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि आपको मजीद बातें पढ़नी है, वो है माइनर। एक होगा माइनर, एक होगा कोफैक्टर, तो इसके बारे में आप समझते हैं माइनर क्या होता है फॉर एग्जाम्पल, और साथ साथ हम कोफैक्टर का भी जिक्र कर लेते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। कंसीडर कर लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमने, चलो दोबारा मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है।
अब अगर आप देखो इस मैट्रिक्स में आपको अगर बोला जाए कि माइनर या कोफैक्टर निकालो, सबसे पहली बात माइनर कोफैक्टर किसी एलिमेंट का निकलता है। फॉर एग्जांपल आपने ये जो 4 है इसका आपने माइनर कोफैक्टर निकालना है, या आपने 6 का निकालना है, या आपने 2 का निकालना है, या आपने 8 का निकालना है। तो सबसे पहली बात माइनर मैट्रिक्स का नहीं होता, माइनर किसी एलिमेंट का आप निकाल रहे होते हैं। और निकालने का तरीका क्या होता है, अगेन माइनर एक वैल्यू होती है, निकालने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि 2 का माइनर निकालो, या 2 का कोफैक्टर निकालो, या आपको बोला जाए 7 का निकालो, तो तरीका क्या होगा और लिखने का तरीका क्या है इसका। माइनर के लिए आप यूज करते हो कैपिटल एम आई जे। आई जे मतलब जिस पे जो एलिमेंट है उसका निकाल रहे हो आप। जैसे बिलफर्ज आप लोग कहते हो कि सर हमें 6 का निकालना है, तो 6 की पोजिशन क्या है, एट टू थ्री मतलब 2 3 पोजीशन पे, दूसरी रो तीसरे कॉलम में। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा M23। दूसरी रो और तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट है उसका मुझे क्या निकालना है, माइनर निकालना है। और इसका तरीका क्या है, तरीका ये कि सिंपल दूसरी रो में है ना, दूसरी रो को डिलीट कर दो, तीसरे कॉलम में तीसरे कॉलम को डिलीट कर दो, पीछे जो बचे सब मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 2 7 8 इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो माइनर भी एक किस्म का डिटर्मिनेंट ही होता है कि आप जिस पोजीशन जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो ना, वो जिस रॉ में है उस रॉ को डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर दो, जो पीछे बचे मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो ये 8 हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, दरमियान में नेगेटिव, आंसर उसका हो जाएगा -5। इसका मतलब 6 का जो माइनर है वो क्या है, -5 है। और अगर आपको बोला जाए कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हो। सेम फॉर एग्जाम्पल इसी पोजिशन का आपको कोफैक्टर निकालना है, जो 6 है ना इसी का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो देखो कोफैक्टर माइनर के बराबर ही होता है कुछ एलिमेंट्स के लिए। मतलब कोफैक्टर दो सिचुएशन है, कोफैक्टर या तो माइनर के बराबर होगा या कोफैक्टर माइनर के नेगेटिव होगा। कहीं तो कोफैक्टर माइनर बिल्कुल बराबर होंगे, कहीं कोफैक्टर जो है वो माइनस होगा माइनर के। ये दो सिचुएशन बनेंगी, कहां पे इक्वल होगा कहां पे माइनस के इक्वल होगा, जरा ये देख लो दोनों सिचुएशन। कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है ना उसमें आप लिखते किस तरह, कि कोफैक्टर 2 3 बराबर होगा M23 के, बस इसके पीछे एक चीज लगाते हो कि -1 की पावर 2 प्लस 3। मतलब आप क्या करते हो, जनरलाइज लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ ना, जनरलाइज लैंग्वेज में कोफैक्टर को इस तरह लिखा जाता है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर i+j MIJ। कि है ये माइनर के बराबर, बस साइन इसका आपने डिसाइड करना है, या तो साइन पॉजिटिव होगा दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, अगर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा सिंपल। तो साइन डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, आप -1 की पावर बनाते हो i+j को, मतलब i नंबर और जो j नंबर है इसको आप ऐड करो और इसको -1 की पावर बना दो। जैसे अगर आप यहाँ पे 2 3 पोजीशन का कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो i क्या है 2 और j क्या है 3, तो 2 और 3 मतलब i और j को मैंने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 2 प्लस 3 क्या होता है, 5, -1 की पावर 5 क्या होगा, -, ठीक है, और माइनर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा 5। तो आपने यहाँ पे देखा माइनर और कोफैक्टर में वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, साइन में फर्क है, कहीं पे बराबर होंगे कहीं पे ये आपस में नेगेटिव रिलेशन होगा इसका। तो जो एलिमेंट है ना, जैसे एलिमेंट जो 1 1 है, तो माइनर और कोफैक्टर बराबर होगा, क्योंकि जब आप कोफैक्टर निकालोगे ना इस फॉर्मूले में, -1 की पावर बनाओगे 1 प्लस 1 को, तो 1 प्लस 1 इवन नंबर होता है ना, 2 आएगा, तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव होता है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह जो 3 है का भी माइनर और कोफैक्टर बराबर होगा, मतलब M13 और A13 ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि 1 प्लस 3 4 होता है, 4 एक इवन नंबर है, -1 की पावर इवन, तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा होगा। इसी तरीके से A22 और M22 ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से M31 और A31 ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से M33 और A33 आपस में बराबर होंगे। तो ये 5 मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए, ये जो है इनमें बराबर होंगे, जबकि 2 4 6 और 8 इनके कोफैक्टर और माइनर वैल्यू में बराबर होंगे, लेकिन साइन उनका नेगेटिव होगा। अच्छा बच्चों, कल हमने क्लास ली थी, तबीयत मेरी खराब हो गई थी इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो डिटरमिनेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट बताया था, फिर 3 बाई 3 का बताया था,
उसके बाद मैं टॉपिक पढ़ा रहा था माइनर और गो फैक्टर का, तो इसी से आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। डिटरमिनेंट तो आई गेस आप लोगों ने पहले भी निकाला होगा, स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मैट्रिक में प्रैक्टिस है, तो माइनर को फैक्टर भी शायद निकालो, लेकिन उसको रिवाइज कर लेते हैं कि बिलफर्स मैंने बताया था कि माइनर जो है, जो डिटरमिनेंट है ना, वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, जबकि माइनर जो है वो किसी एलिमेंट का होता है। माइनर या को फैक्टर अगर आपने निकालना है ना, वो किसी एलिमेंट का होता है। तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में 2-3 एलिमेंट जो है ना, ये वाला जो दूसरी रॉ और तीसरे कॉलम में था 6, इसका मैंने माइनर निकाल के दिखाया था आप लोगों को। और मैंने बोला था माइनर निकालते कैसे है, जिस रॉ में है उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में उसको डिलीट करो, तो जो 4 एलिमेंट बचेंगे इसका आप डिटरमिनेंट ले लो, तो वो जो नंबर आएगा ना, उस नंबर को आप क्या बोलोगे, माइनर। ठीक है, फिर मैं को फैक्टर के बारे में बता रहा था कि को फैक्टर जो है ना, उसका वो माइनर के बराबर ही होता है, बस कभी उसके साथ पॉजिटिव आ रहा होता है, कभी उसके साथ नेगेटिव आ रहा होता है, ये फर्क है। मतलब माइनर और को फैक्टर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, साइन में आपको फर्क नजर आएगा। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब आप उसकी पोजीशन को आपस में ऐड करोगे और आपके पास इवन नंबर आएगा, तो को फैक्टर और माइनर एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को ऐड करो और रिजल्ट में ऑड नंबर आए, तो फिर जो को फैक्टर है ना, वो नेगेटिव ऑफ माइनर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, -1 की पावर i+j। तो अगर आप यहाँ पे देखो, 2 + 3 क्या होता है, 5, -1 की पावर 5 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो को फैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर। माइनर आया था -5, आप इसका नेगेटिव लो तो ये 5 हो जाएगा। ये रिवीजन थी, फिर मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, तो उसके अंदर 9 एलिमेंट्स होते हैं, उन 9 में से ये 5 जो पोजिशन है ना, इन पे जो एलिमेंट्स होते हैं सॉरी 1 1 1 3 2 2 3 1 3 3, ये जो 5 पोजीशन है इन पे जो एलिमेंट्स होंगे उनके माइनर और को फैक्टर आपस में बराबर होते हैं। जबकि जो 4 पोजीशन बची है, एक ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होंगे उनके को फैक्टर और माइनर में माइनस का बस फर्क होगा। ठीक है, ये टॉपिक हमने अभी तक कर लिया। अब सवाल ये है, को फैक्टर पढ़ क्यों रहे हैं? देखो बच्चों, जो डिटरमिनेंट आप लोगों के सामने आपने निकालना सीखा था, डिटरमिनेंट की जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है कि कोई भी अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम पिक कर लो, और पिक करने के बाद क्या करो, उस रॉ के, अगर आपने रॉ पिक किए, उस रॉ के जितने एलिमेंट्स हैं उनको उनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। जिसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जनरलाइज लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, कंसिडर कर लो मैंने रॉ 1 पिक की है, तो इसकी पोजिशन क्या होगी, a11, a12, a13। तो अगर आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसकी जो रॉ है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस रॉ के अंदर, उनको उनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे जो a11 एलिमेंट है, जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके को फैक्टर से, को फैक्टर करो आप कैपिटल ए से लिख रहे होते हो। ठीक है, तो ये जो ये वाला एलिमेंट था, इसको जिसको मैं a11 से लिख रहा हूँ, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके को फैक्टर से, प्लस फिर जो दूसरा एलिमेंट है जिसकी पोजिशन होगी a12, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इसके को फैक्टर से, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, प्लस जो तीसरा एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके को फैक्टर से। ये डेफिनेशन होती है डिटरमिनेंट की, जो काम आप यहाँ पे करते थे लेकिन इस वक्त बताया नहीं जाता था आपको, क्योंकि आपने माइनर को फैक्टर पढ़ा नहीं था। आप एग्जैक्टली यही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई किया आपने यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्या है, आपने सम करना है किस चीज का, कि जिस भी रॉ को आपने पिक किया उसके एलिमेंट्स को उनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और फिर उनको आपस में ऐड कर दो, तो रिजल्ट पे जो वैल्यू आएगी उसको आप बोलोगे डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब आप कोई भी रॉ पिक कर सकते हो, मैं इस डिटरमिनेंट को मजीद 5 फॉर्मूले और लिख सकता हूँ, इसका एमसीक्यूज में कोई भी 6 में से आ सकता है। मतलब या तो 3 रॉ से आप एक्सपेंड कर दो सेम ही आंसर आएगा, या 3 कॉलम से एक्सपेंड कर दो सेम ही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब है कि 6 तरीकों से आप डिटरमिनेंट को इस तरह लिख सकते हो, ये मैंने रॉ 1 के तरीके से लिखा है, आप रॉ 2, रॉ 3, इसी तरह कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, उस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे कॉलम 1 के हिसाब से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि अगर मैं बोलूं कि कॉलम 1 के हिसाब से आप डिटरमिनेंट की डेफिनेशन लिखो, तो कोई स्टूडेंट वॉलेंटियर जो बता दे मुझे कॉलम 1 के हिसाब से। सही, a11 ठीक, प्लस ए टू वन को a21 मल्टी, हाँ उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस a3 सही है। तो ये जो आपके प्लस पास डिटरमिनेंट a31 आया है ना, हाँ ये जो डिटरमिनेंट आया है ना, ये भी सेम ही वैल्यू है। आप कोई भी एक मैट्रिक्स पिक करो
उसमें आप कॉलम वन से एक्सपेंड करो या रॉ वन से एक्सपेंड करो, कुछ भी करना है कर लो, कोई भी कॉलम कोई भी रॉ ले लो, डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखो ये डेफिनेशन आप यहाँ पे लगाते थे, अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप यहाँ पे करते क्या थे, ये जो डिटरमिनेंट करते थे, सबसे पहले आपने फॉर एग्जाम्पल रॉ वन को अगर पिक करते थे तो देखो उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। ये एलिमेंट है जो ए वन वन है, ये एलिमेंट माइनस को छोड़ दो अभी, ये एलिमेंट जो है ये ए टू टू है, और ये एलिमेंट जो है ये ए थ्री थ्री है। तो ये वाला काम तो आपने देख लिया कि डिटरमिनेंट लेते हुए तीन चीजें तो मैंने आपको दिखा दी, ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अब रही बात कि ये डिटरमिनेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, ये डिटरमिनेंट कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता था। कोफैक्टर तो नहीं है तो माइनर लग रहा है, माइनर और कोफैक्टर एक ही चीज है। आप ये समझो कि कोफैक्टर माइनर के बराबर ही होता है, वैल्यू में तो बराबर ही है ना। माइनर क्या होता था, माइनर होती थी ना, किस तरह निकालते थे बिलफर्ज, अगर आपने वन का माइनर निकालना है तो आप इस रॉ को डिलीट करोगे, कॉलम को डिलीट करोगे और इन चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालोगे बिलफर्ज। तो ये तो काम करते थे आप कि वन का माइनर किस तरह निकालते थे, रॉ को डिलीट, इस कॉलम को डिलीट और इसका डिटरमिनेंट निकालते थे। लेकिन आपको कोफैक्टर चाहिए, माइनर नहीं चाहिए आपको। तो माइनर और कोफैक्टर में फर्क कहाँ पे आएगा, मैंने बताया था पोजीशन को देखो, वन वन और वन थ्री, मतलब वन वन और वन थ्री, इस पोजीशन में तो माइनर कोफैक्टर बराबर ही होंगे, कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, ये जो दरमियान वाली पोजीशन है ना ए वन टू, इसमें जो माइनर है वो नेगेटिव होगा कोफैक्टर के, या दूसरी लैंग्वेज में कोफैक्टर जो है वो माइनस होगा माइनर के। क्या फॉर्मूला बनेगा कि जो कोफैक्टर है वो माइनस है माइनर के, और यही वो माइनस है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करो ये पूरी चीज माइनर थी, और ये वाला जो माइनस में लगा देता वो कोफैक्टर की वजह से लगा देता है। ये जो मैंने पूरी आप लोगों को मैट्रिक्स दी थी उसकी वजह अब आप लोगों को समझ आएगी कि इन चार पोजीशन पे माइनस क्यों मैंने लिखा था। वो इस वजह से कि वो चार पोजीशन है जिसमें जब आप कोफैक्टर का फॉर्मूला लगाओगे ना, जब ऐड करोगे तो ऑड नंबर आ रहा होगा। इसकी पोजीशन होती है वन टू, वन प्लस टू ऑड होता है, वन प्लस टू थ्री ऑड है ना। इसी तरह इसकी पोजीशन होती है टू वन, टू प्लस वन थ्री ऑड, इसकी पोजीशन होती है थ्री टू, थ्री प्लस टू फाइव ऑड है। तो कहने का मतलब ये वो चार पोजीशन थी जिसमें नेगेटिव होता था कोफैक्टर, दैट्स वाई आपको डिटरमिनेंट निकालते हुए बताया जाता है कि इन एलिमेंट के साथ आपने नेगेटिव लगाना है। वो वजह ये है कि वो डेफिनेशन ये है, यहां से वो नेगेटिव आया है। ठीक है, तो पहले तो मैंने आप लोगों को जस्ट डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बताया था, आपको वो इतनी मुश्किल डेफिनेशन निकालने के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट आप वैसे ही निकाल सकते हो, इसको याद रख लो और बाकी जो मैंने तरीका बताया था। हाँ, अगर एमसीक्यूज में डेफिनेशन आ जाए, इस तरह पूछ लें, इस तरह पूछ लें, या वर्डिंग में पूछ लें कि सम ऑफ, इसका उन्होंने लिखा हुआ होगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो जरा बुक की वर्डिंग में उन्होंने डिटरमिनेंट की डेफिनेशन लिखी हुई होगी। एक सेकेंड, उन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे के नजर आ नहीं रही मुझे, चलो इसकी बना लेते हम के सम करना है आपको, सम ऑफ उनके कोफैक्टर्स, इस टाइप की कोई डेफिनेशन देख लेना कि आप ऐड कर रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो, एलिमेंट्स टाइम्स उनके कोफैक्टर, मतलब एलिमेंट्स मल्टीप्लाई उनके कोफैक्टर, इन सबको अगर आप ऐड करो तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा। तो ये अंग्रेजी में भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, या ये बात भी आपसे पूछ सकते हैं। और जहां तक बात निकालने की है, वो तो मैंने आप लोगों को सिंपल तरीका बताया था जो आप लोग सबको पता है कि इस मैट्रिक्स को याद रखो साइन की वजह से, बाकी निकालने का तरीका तो मेरे ख्याल में सब बच्चे को पता है, तो साइन से आप निकाल लोगे। तो डिटरमिनेंट का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, कोई सवाल है तो पूछ लो यहाँ तक। अच्छा, दो टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, ये मुझे टाइप्स में करवाना चाहिए था, वहां पे मैंने नहीं करवाया, तो अभी देख लो क्योंकि उस वक्त आपने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा था। एक होती है जिसको आप कहते हो सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होती है जिसको आप बोलते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसी क्या कंडीशन होती है कि आप किसी को सिंगुलर बोलते हो किसी को नॉन सिंगुलर बोलते हो। सबसे पहली बात होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप बोलते हो और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बोलते हो, तो है तो दोनों स्क्वायर। ऐसा नहीं किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप सिंगुलर या नॉन सिंगुलर बोलोगे। अब इस किस कंडीशन के तहत आप किसी को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बोलते हो, तो वो कंडीशन सिंपल एक है कि अगर मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो के बराबर है तो आप बोलोगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन जीरो ना हो, तो उस मैट्रिक्स को आप बोलोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जब बात डिटरमिनेंट की गई है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो नहीं होता ना। तो अगर किसी का डिटरमिनेंट जीरो है
या किसी का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो पहली बात स्क्वायर तो होना लाजमी है उसके लिए, वरना डिटरमिनेंट तो निकाल ही नहीं सकते आप। अब अगर वो स्क्वायर है और उसका डिटरमिनेंट जीरो है तो आप बोलोगे सिंगुलर, और अगर उसका जीरो नहीं है तो आप बोलोगे नॉन सिंगुलर। ये तरीका होगा, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक हमने लिखा हुआ था आप लोगों की बुक में, इसके सवाल भी होंगे, जब सवाल आएंगे हम इंशाल्लाह कर लेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है वो एडजॉइंट निकालने का, जरा एडजॉइंट भी देख लो। एडजॉइंट जो है वो आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हो। एडजॉइंट ऑफा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखो, हर चीज के बारे में ना आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए कि वो है क्या। ये बात सेकंड ईयर के बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है कुछ टॉपिक्स में, तो मैं बार बार उनको याद दिलानी करवाता हूँ कि कोई भी चीज आप पहली दफा पढ़ो ना तो आपको पता होना चाहिए है क्या, ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई वैल्यू है, क्या चीज क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसी तरह जैसे डिटरमिनेंट बच्चों को निकालना आता है, लेकिन अगर पूछे डिटरमिनेंट है क्या, सोचने लग जाते हैं। डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, सिंपल ऐसी वैल्यू है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हमने एसोसिएट की हुई है। अब उसको निकालना किस तरह है वो तो एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन बेसिकली आपको पता है कि वो लड़का है लड़की है, मतलब जेंडर आपको क्लियर है कि डिटरमिनेंट वैल्यू है। इसी तरह अगर एडजॉइंट की बात की जाए तो एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एडजॉइंट क्या चीज है, एक मैट्रिक्स है। अब अगला सवाल होगा कैसी मैट्रिक्स है, तो फिर आप ये बोलोगे ऐसी मैट्रिक्स है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब ये है कि बिलफर्ज आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जनरलाइज बात करते हैं, तो जनरलाइज में आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, A11, A12, A13, इसी तरह 21, 22, 23, इसी तरह 31, 32, 33। अगर मैं आपको बोलूं कि यार इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है, सबसे पहले बात एडजॉइंट को लिखते किस तरीके से, ADJ, ये लिखने का तरीका है शॉर्ट फॉर्म, किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का, तो इसको इस तरह लिखोगे आप। तो एडजॉइंट क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज लेना तो हमें आता है कि हम वो इंटरचेंज कर देंगे, वो तो मसला नहीं है। असल बात है कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स सिंपल वो होती है कि जो आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है ना, उसके हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर ले लो। जैसे A11 था, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12, इसका कोफैक्टर A13, इसी तरह 2-1, इसी तरह 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3। तो ये मैंने किया क्या, मैंने जो मैट्रिक्स ए थी ना उनके सब 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर ले लिया और उसको मैंने एक मैट्रिक्स में लिख दिया। जैसे A11 के कोफैक्टर को उसकी पोजीशन पे लिख दिया, 1-2 को इधर लिख दिया। ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आई है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो जो मेरे पास पूरी मैट्रिक्स आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, एडजॉइंट बोलूंगा। तो यहाँ पे अब ये कंप्लीट हुआ नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसका ट्रांसपोज ले लेना, वो जब कोई एग्जाम्पल मैं दूंगा तब देख लेना आप लोग। तो असल चीज आपने क्या देखी है, आपको निकालना है कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका आप ट्रांसपोज ले लेना। तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स होगी उसको आप क्या बोलोगे, एडजॉइंट। अब इसको निकालना किस तरह, इसका सवाल बुक में मौजूद है, तो मैं अभी से करवा दूं, इससे बेहतर है जो बुक का क्वेश्चन होगा ना वही मैं करवा दूंगा, मजीद आप लोगों को बातें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चाहिए बुक में निकालने का प्रोसेस उन्होंने पूरा बताया हुआ है। अच्छा, कुछ मैट्रिसेस जो है ना उनका एडजॉइंट काफी इजी होता है, मैंने बताया था ये जो डायगनल, चलो एक साथ में बता दूंगा इसको, एक साथ बता दूंगा मैं, जब हम इनवर्स भी पढ़ लेना फिर हम ये पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो अब जरा इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लो, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स लोगे, मैंने तभी कहा था कि आप लोगों की पूरी डिस्कशन होनी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, जितने इंपॉर्टेंट टाइप, जितने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन वो स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफाइन हुए हैं। और आप लोग अभी लेवल पे 3x3, 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हो ना, मेरे जो मास्टर्स में रिसर्च चल रही है उसमें हम 51x51 की भी बना रहे होते हैं, मिलियन बाय मिलियन की भी बना लो, मतलब मिलियन रॉज है, मिलियन कॉलम्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का काफी काम है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी जो डायगनल मैट्रिक्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो तभी मैंने कहा था इनको सही तरीके से समझो ताकि आप लोगों की आगे की जो, क्योंकि ये पूरा कोर्स करवाने का मकसद जो है, मैंने पहले दिन ही क्लियर किया था कि फर्स्ट ईयर पास करवाना मकसद नहीं है, सेकेंड ईयर पास करवाना भी मकसद नहीं है, मकसद है कि थ्रू आउट आपके एकेडमिक में जहां पे भी मैथ इन्वॉल्व है आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि वही बात है, पहली सीढ़ी पे अगर चढ़े नहीं हो तो पांचवी सीढ़ी पे कैसे चढ़ोगे, सुपरमैन तो होने के डायरेक्ट छलांग मार लोगे पांचवी पे, तो आपकी बेसिक क्लियर होंगी तो मुश्किल टॉपिक समझ आएंगे, वरना समझ नहीं आएंगे। तो
दैट्स वाई ये वो मैट्रिसेस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जो आगे आप लोगों के काफी काम आती है, तो दैट्स वाई सीख लिया करो इनके सारे कॉन्सेप्ट। अब ये इनवर्स बहुत काम की चीज है, बहुत इसके फायदे हैं। आप वक्त के साथ आप लोग इस बुक में ही पढ़ोगे, वैसे भी आप लोग आगे जाके सीखोगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देख लो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। भाई इनवर्स का टॉपिक तो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के अंदर पढ़ा था। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक होती है आइडेंटिटी, एक होती है इनवर्स। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी एक एलिमेंट होता था जो आप किसी नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ उसको ऑपरेट करवाओ वो उसको चेंज नहीं करता था। जैसे एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, किसी नंबर में भी ऐड करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो उस नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप उस इनवर्स को एलिमेंट में ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी मिलेगी। बिलफर्ज अगर आप -2 को 2 के अंदर ऐड करवाओगे तो रिजल्ट में आपको 0 मिलेगा, मतलब आइडेंटिटी मिलेगी आपको। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से एक आपने पढ़ा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2 को, मतलब 1/2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी मतलब 1 मिलेगा। तो 1/2 को आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसी कॉन्सेप्ट को मैट्रिसेस के अंदर ले आओ। हमने पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी होती है, रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक्सेलेंट भाई, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी कौन सी होती है, यूनिट मैट्रिक्स। एक्सीलेंट भाई, यूनिट मैट्रिक्स जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, उसका नाम ही इस वजह से रखा है। तो ये आइडेंटिटी आपने मैट्रिक्स के अंदर भी देख ली। अब जरा इनवर्स देख लेते हैं। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इनवर्स की बात करो तो बड़ा ईजी है कि फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है, इसको इसके नेगेटिव में ऐड कर दो। जैसे मैट्रिक्स ये है ना, ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं ऐड कर दूं इसके नेगेटिव के, मतलब हर एलिमेंट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दो तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। जैसे नंबर्स में आप क्या करते थे, 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता था, माइनस से मल्टीप्लाई करते थे। तो एडिटिव इनवर्स भी आप लोगों को पता है। ये जो इनवर्स बात की जा रही है ना, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात की जा रही है। तो मैं जुमला यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ये कौन सा इनवर्स है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप कैसे निकालते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन नहीं होती। अब ये बातें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ये बातें आप लोगों को टीचर बता नहीं रहा होगा, नॉर्मली जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगी। मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती। सवाल है कि मैट्रिसेस में डिवीजन क्यों नहीं होती, क्योंकि मैट्रिसेस की हरकतें ही ऐसी हैं। इसकी बहुत सी रीजन आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक ही बड़ी तगड़ी रीजन है जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो है मैट्रिक्स की नॉन कमुटेटिव नेचर। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था कि मैट्रिसेस जो है ये कमुटेटिव नहीं होते, ये जो नेचर है ना मैट्रिसेस की, ये इस हरकत की वजह से आप डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। अब क्या मतलब इसका भाई, बिलफर्ज अगर आप नंबर्स की बात करो, मैं आपको बोलता हूँ 2 को डिवाइड करो 3 से। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 2/3, या आप इसको लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3 का इनवर्स। आपको पता है 3 का इनवर्स क्या होता है, 1/3, एक ही बात है। इसको इस तरह लिखो या आप इसको इस तरह लिखो, आपको क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, एक ही बात है। इसी तरह ये लिखो है, ये लिखो, बात एक ही है। तो नंबर्स के अंदर तो बात बड़ी मजे की होती है, लेकिन अगर आप मैट्रिसेस में ऐसा करने लगोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैट्रिसेस में आप डिवीजन करते हो, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि डिवीजन हम कर नहीं रहे, लेकिन डिवीजन के करने का तरीका अलग है। अब वो तरीका अलग क्यों है उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। कि नॉर्मली अगर आप बोलो कि यार मैट्रिक्स ए को डिवाइड करो मैट्रिक्स बी से, तो ये चीज लिखने में अजीब है। इसके दो मतलब बन सकते हैं, या तो ये भी इसका बन सकता है, अगर आप बी को पलाओ तो बी इनवर्स हो जाएगा ना। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, कराओगे यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हो। मसला क्या है, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है। आप ए बी इनवर्स लिखो या आप बी इनवर्स ए लिखो, मैट्रिसेस के अंदर ये अलग चीज होती है ड्यू टू नॉन कमुटेटिव नेचर। मैट्रिसेस की नॉन कमुटेटिव नेचर है। तो अब समझ नहीं आ रहा भाई ए अपॉन बी का मतलब क्या है, ए अपॉन बी का मतलब ये है या ए अपॉन बी का मतलब ये है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे पहली रीजन है कि जिसके तहत आप मैट्रिसेस में इस तरह नहीं लिखते आप, क्योंकि इसका मतलब आपको नहीं पता। हम बोलेंगे इसको, हम बोलते हैं लेफ्ट डिवाइड होना या राइट से डिवाइड होना। अब आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है, तो दैट्स वाई आप ये वाली नोटेशन यूज करते हो कि अगर आपको ये चीज बोली जाए, हो ये भी डिविजन ही रही है। अगर आपको बोले ए को मल्टीप्लाई करो बी इनवर्स से, तो हकीकत तौर पर आप डिवाइड ही कर रहे हो, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है, डिवाइड करने का तरीका आपका डिफरेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और मसला मैंने बता दिया क्यों होगा, और अगर ये कैलकुलेट करना है ये अलग बात है।
अलग चीजें होती हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे रियल नंबर में फॉर एग्जांपल ये मसला आता आपको कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल रियल नंबर में इस तरह लिखा हो तो आप क्या करते हो, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप बोलते हो कि भाई दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दो तो एक्स का आंसर हो जाएगा 3/2। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ऐसा नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू बी, आपको एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, अब आप इसको ऐसे लिखोगे क्या, बी अपॉन ए, अगेन एम्बिग्युटी आ जाएगी, बी अपॉन ए का मतलब क्या है। तो ये हरकत हम मैट्रिसेस के अंदर नहीं कर रहे होते। तो क्या हम हरकत करते हैं मैट्रिसेस के अंदर, वो जरा देख लो। बिलफर्ज अगर आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, और आपको यहाँ पे क्या करना है, ये प्रॉपर्टी तो सबको पता होगी यहाँ पे कि जब आप किसी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर टू लिखा हुआ है और टू को मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, 1 क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रिजल्ट में आइडेंटिटी मतलब 1 आएगा। मैट्रिसेस के अंदर भी ये होगा, जब मैं ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिखने का तरीका डिफरेंट है। ये जो 1 था रियल नंबर के अंदर, मैट्रिसेस में 1 को आप कैसे लिखते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर 100010 और 001, ठीक है। तो ये अगर बिल्कुल, अब आपके पास इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो आप इसका सिंपल हल क्या निकालोगे, आप ये बोलोगे कि यार मुझे ए को हटाना है ना यहां से, तो सिंपल आप दोनों तरफ ए इनवर्स ले लोगे, दोनों तरफ ए इनवर्स ले लिया। अब आपको पता है ये जो ए और ए इनवर्स है ये किसके बराबर होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। और ये भी आपको बात पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स जो है, ये बेसिकली आइडेंटिटी है। आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर भी दो, एक्स को क्या फर्क पड़ेगा, ये वही बात है। 1 को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 1 को फर्क पड़ता है नहीं, तो आई एक्स लिखो या खाली एक्स लिखो बात ये है। तो डिवीजन ना होने की सूरत में आप ये सब पापड़ बेल रहे होते हो मैट्रिसेस के अंदर, कि अगर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है ये सारे स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सब स्टेप्स में आपने इंपॉर्टेंट बात क्या देखी, इनवर्स आ रहे हैं, तो वो जो इनवर्स है ना वो निकालने का तरीका आप समझोगे। इसी तरह ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास ए एक्स इक्वल टू बी लिखा हो या आपके पास एक्स ए इज इक्वल टू बी लिखा हो, अगेन अलग अलग बातें हैं। ए एक्स और एक्स ए दोनों अलग चीज है, ये बराबर तो नहीं है। नंबर्स के अंदर आप बराबर लेते थे लेकिन मैट्रिसेस के अंदर बराबर नहीं होता। तो अगर आप ये सिचुएशन है, इसमें अगर आपको कोई बोलता है कि यार मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के दो, तो अब आप क्या करोगे, ये जो आप ए इनवर्स थे ना ये आप ए के साथ लगाते थे, आप ऑब्जर्व करो ये जो इनवर्स है ना ये आप ए के साथ लगाते हो ताकि ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी आपको मिल जाए। अब बिलफर्ज अगर आपका ए यहां पे है ना, बस आपको ए के बाद लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ए के साथ ही आप लगाओगे ना इनवर्स। अब ऐसा तो हो नहीं सकता एक्स को हटाओ और पीछे इनवर्स लगा दो, चीज है वो तो इसको आप किस तरह करोगे, इनवर्स लगाओगे ए के साथ, ठीक है। तो इस तरह लिखना या इस तरह लिखना ये दोनों अलग बातें। अगर बिलफर्ज आप ए इनवर्स पीछे लगा दोगे इसके बाद क्या करोगे आप, फंस जाओगे। मैट्रिसेस के अंदर ये थोड़ी ना होता कि अपनी पसंद से आप मैट्रिक्स को आगे पीछे कर लो, तो दैट्स व्हाई आपको जो ए इनवर्स है वो चाहिए होता है ए के साथ। तो पहले अगर आप ऑब्जर्व करो, ए इनवर्स मैंने इस पूरी चीज से पहले लगाया था, तो अगर मैंने यहां पे इनवर्स पहले लगाया है तो राइट हैंड साइड पे भी बी से पहले मैंने इनवर्स लगाया था। अगर आप यहां पे देखो, यहां पे मैंने ए इनवर्स एक्स ए के बाद लगाया है, तो राइट हैंड साइड पे भी मैं ए इनवर्स बी के बाद लगाऊंगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, तो जरा ध्यान में रखना कि मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस कमुटेटिव नहीं होती, मैंने शुरू में बता दिया। इस हरकत की वजह से सारे मसले आ रहे हैं यहाँ पे, जरा गौर करना इस बात पे। अगर आप ए इनवर्स यहाँ पे बाद में लगाया तो राइट हैंड साइड पे बाद में लगाओगे, यहाँ पे पहले लगाया तो राइट हैंड साइड पे पहले लगाओगे। जहां ए होगा, अगर ए पहले आ रहा है तो पहले इनवर्स लगाओगे, अगर ए बाद में आ रहा है तो बाद में इनवर्स लगाओगे। अब अगेन ये वो पूरी चीज आई हो जाएगी, आई को एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दो अलग तरीकों से आप यहाँ पे एक्स निकाल रहे होंगे। खैर ये आगे की बातें, इंशाल्लाह हम निकाल रहे होंगे एक्स मैट्रिक्स से, पूरा टॉपिक है अभी फिलहाल। आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या देखी कि इन सब चीजों में इनवर्स आ रहा है, तो इस इनवर्स को आपने निकालना किस तरीके से उसका जरा देख लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले लो, तो सवाल है तो पूछ लो, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, कि जो ए का इनवर्स होगा जब आप उस इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी मिलेगी, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है।
आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आप इसको ए इनवर्स लिखो या ए इनवर्स ए लिखो, बात एक ही होती है। जैसे यहां पे देखो आपने लिखा है ए इनवर्स ए, इसके आंसर में भी आइडेंटिटी आएगा, और यहाँ पे आपने लिखा है ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो इसके रिजल्ट में भी आइडेंटिटी आएगा। तो इनवर्स में कमुटेटिव वाली प्रॉपर्टी अचीव होती है कि अगर आपस में ये इनवर्स है ना, तो अब कमुटेटिव प्रॉपर्टी होगी। आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, बात एक ही है। तभी मैंने बताया था कमुटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कि कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसपे मैट्रिक्स कमुटेटिव हो जाती है। वो स्पेशल केसेस यही है कि अगर एक दूसरे की वो इनवर्स है तो अब वो कमुटेटिव होंगी। आप ए इनवर्स ए लिखो या ए इनवर्स मतलब ए मल्टीप्लाई इनवर्स लिखो, बात देखिए ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपको ये चीज नजर आएगी। अब सवाल ये कि इनवर्स निकालना किस तरीके है। बच्चों इनवर्स निकालने के बहुत तरीके होते हैं, अभी आप लोग पढ़ोगे भी बहुत तरीके, लेकिन हमने जो अभी फिलहाल सीखना है ना तरीका, वो है एडजॉइंट मैथड। इसको हम बोलते हैं इनवर्स निकालना बाई एडजॉइंट मैथड। तो एडजॉइंट के जरिए से आप इनवर्स निकालोगे। वो सिंपल फॉर्मूला क्या है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर आप उसको डिवाइड कर दो उसके डिटरमिनेंट से तो आपके पास इनवर्स आ जाएगा। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालने के बाद उसको आप डिवाइड करो डिटरमिनेंट ऑफ ए से। ए डिटरमिनेंट एक वैल्यू आएगी, ये वैल्यू है ना पूरी। किसी भी मैट्रिक्स को आपने, मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब उसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब लिफाफा अगर ये इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, वही कि मैट्रिक्स ए के हर हर एलिमेंट को आप 2 से डिवाइड करो। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी ना, एडजॉइंट को आप उस डिटरमिनेंट से डिवाइड करना, सिंप्लीफाई करना, जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, इनवर्स। चलिए इनवर्स से रिलेटेड कोई बात, अच्छा ये प्रॉपर्टी बता देता हूँ अभी। सही, एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगेन हर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ये भी वजह है मैट्रिक्स में डिवीजन होने की। अगर आप देखो कि एलिमेंट्स में आप आपस में डिवाइड कर लिया करते थे, बस डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, वैसे आप एलिमेंट्स को रियल नंबर्स को डिवाइड करते थे। मैट्रिसेस के अंदर आप हर मैट्रिक्स को डिवाइड भी नहीं कर सकते। अगर ऐसी मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल अपॉन बी का अगर आप मतलब लेते हो ए बी इनवर्स, बिलफर्ज अगर आप इसका मतलब ले लेते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जैसे नंबर्स में होता था ना, 2/3 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 3 इनवर्स। तो यहाँ पे 3 इनवर्स एग्जिस्ट करता था, मैट्रिक्स के अंदर कोई शर्त नहीं होती, रियल नंबर में बस 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था कि अगर 0 आ जाए तो फिर मसला होगा। मैट्रिक्स के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि 0 आएगा तो मसला होगा, नहीं। कुछ ऐसी मैट्रिक्स है जो नल मैट्रिक्स नहीं भी है फिर भी उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब उनका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिवाइड कैसे करोगे। यहाँ पे नंबर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता था तो आप डिवाइड करते थे ना। यहाँ पे कुछ ऐसी मैट्रिक्स है जिनके इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, और वो नल मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा, नल मैट्रिक्स का तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का, जो कितनी मेजोरिटी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनके इनवर्स ही नहीं होते, और वो किस किस के नहीं होते, जो सिंगुलर मैट्रिक्स है। जितनी सिंगुलर मैट्रिक्स है उनके इनवर्स है ही नहीं। अब देखो कितनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी है जिनके इनवर्स ही नहीं है, और जब इनवर्स नहीं होंगे तो डिवाइड कैसे करोगे। तो ये भी वजह बताई जाती है कि मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन नहीं होती, ये मसले यही चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दैट्स वाई शर्त आप देख लो किस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, सिर्फ वो वाली मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना वो इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल का मतलब जिनका आप इनवर्स निकाल सकते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। उसकी वजह ये है कि इनवर्स के फॉर्मूले में डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर में आता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। तो अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो आपकी फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगी, डिफाइन नहीं कर सकते आप उसको। दैट्स वाई जितनी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उनका इनवर्स निकाल सकते हो, लेकिन जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उनका इनवर्स नहीं निकल सकता, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी पढ़ी थी, ट्रांसपोज के अंदर भी पढ़ी थी, कि अगर आपने एक मैट्रिक्स का इनवर्स लिया और जो इनवर्स आया उसका दोबारा इनवर्स ले लिया तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। और ये जो है ये ट्रांसपोज में भी आपने पढ़ा था, रिवर्सल लॉ कहते हैं इसको, कि ए बी को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट आए उसका इनवर्स लो। ये बराबर है कि पहले बी का इनवर्स ले लो फिर ए का इनवर्स ले लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये बात 3 मैट्रिसेस के अंदर भी वैलिड है कि ए बी सी का इनवर्स बराबर है सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ऑर्डर चेंज होता है, जरा गौर करना, ए बी तो बी है, ऑर्डर चेंज करना होता है आपको, ठीक है। तो
तो बच्चों ये थ्योरी जो है ना हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 2.3 इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे आज ही क्लास में। कोई सवाल यहाँ पे कोई मसला है तो पूछ लो। जितनी बातें आप लोगों ने डिटरमिनेंट इनवर्स एडजॉइंट से रिलेटेड पढ़ी हैं ये सब बातें इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। सर, ठीक है जैसे नंबर्स में डिवाइड में अगर जीरो होता है तो हम इनफिनिटी लिखते हैं, अगर यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो फिर हम क्या लिखते हैं? ये देखो, ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग अभी कब सीखोगे? आप लोगों की बुक में चैप्टर 8 है फंक्शन, शायद अगर मुझे मौका मिला तो बल्कि इंशाल्लाह मैं बताऊंगा उसके अंदर। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि वो समझते हैं कि 1/0 का आंसर इंफिनिटी होता है। ये चीज ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि बात ही टोटली अलग है। अगर अभी मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। ये चीज गलत है। और अगर कोई आपसे बोले क्यों गलत है, सेकंड के अंदर मैं जवाब आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ कि अगर 1/0 इन्फिनिटी के बराबर है तो 0 को जाके मल्टीप्लाई करवाओ उधर। आपने मैथ में बचपन से बात पढ़ी है कि 0 से जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। इधर आंसर क्या आ रहा है? 1। तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है। तो जिसने बोला ना 1/0 इन्फिनिटी होता है, टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब एक सवाल बनता है कि इसको मेजोरिटी टीचर्स बोलते हैं, शायद मेरी भी पुरानी वीडियोज में आप देखोगे मैंने कहीं बोला हुआ होगा। तो कोई ना कोई तो वजह है जिसके तहत 1/0 को इन्फिनिटी बोला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा सही बात है, ये तो बात गलत ही है, लेकिन क्यों ऐसे बोलते हैं उसकी रीजन है। वो रीजन में भी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर आप बोलोगे 1/0 इन्फिनिटी होता है तो ये गलत बात है, मैंने बता दी है। अगर आप इसको इक्वल मानोगे तो फिर ये मसला हो जाएगा, 0 टाइम्स आंसर 1 कैसे आ गया, ये इशू है। तो इन इशू को इंशाल्लाह हम देखेंगे। असल में तो ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जब आप कैलकुलस पढ़ते हो, लिमिट्स पढ़ते हो, असल टॉपिक उसका है। लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को चैप्टर 8 जो फंक्शन का पूछ रहे हैं ना, उसमें कुछ ऐसे फंक्शन है जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, इन्फिनिटी बन रहा होता है, वो तो वो क्या होगा इंशाल्लाह वहां पे क्लियर कर दूंगा।